दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार एमएसएससी नोट से। कल जो आपको हमने वीडियो बढ़ाया उसमें आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और आज ये लास्ट वीडियो है, इसमें कुछ जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उसको करवा देते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ठीक है। और हम उसको आगे आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी लेक्चर में, ठीक है। जैसे कि एक अगला टाइप है टाइप थ्री। एक क्वेश्चन है आपका, जैसे कभी कभी क्या होता है कोई नंबर रहता है, जैसे यदि अगर कोई नंबर है उसकी पावर n है, यदि x की पावर n है, किसी नंबर की पावर n है और उसे n माइनस वन से डिवाइड किया जा रहा है, उसे n माइनस वन से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि भाग दिया जा रहा है, तो उसका भागफल यानी उसका शेषफल हमेशा एक बचेगा। मैं n माइनस वन से भाग देने पर शेषफल हमेशा एक प्राप्त होगा। होगा या रिमाइंडर आपका वन मिलेगा। कहने का मतलब ये कोई नंबर है, यदि एक्स की पावर एन में अगर हम एन माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा वन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। पहला क्वेश्चन है आपका 18 की पावर 224 डिवाइड बाई 17, ठीक है। कहने का मतलब इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं n, ठीक है। कहने का मतलब है n माइनस वन, ठीक है। ये जो नंबर है आपका कितना है 18। पावर को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है x की पावर n या n माइनस वन, कहने का मतलब है ये जो पावर है इसको आप रोक के रखिए। पावर को अगर हम छोड़ रहे हैं तो 18 है, बचा आपका 18। अब 18 को जब हम डिवाइड करेंगे 17 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा 1। कहने का मतलब है 17 को जब हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब है जब भी कि यदि किसी की पावर n है, यदि x कोई नंबर है उसकी पावर n है, उसमें अगर n माइनस वन से भाग दिया जा रहा है तो हमेशा आपका रिमाइंडर आपका 1 ही मिलेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन था आपका 18 की पावर 224 डिवाइड बाई 17, अगर इस नंबर को ऐसे डिवाइड करें तो हम ये देखते हैं कि ये इस पावर को छोड़ देते हैं बिल्कुल, हम ये देखते हैं ये नंबर आपका कितना है 18 है। अब 17 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, जब हमको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। आप इस रूल को हमेशा याद रखिए, ठीक है। बाकी हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप करके लाइएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका 22 की पावर 42 डिवाइड बाई 21। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 24 की पावर 43 डिवाइड बाई 23। थर्ड क्वेश्चन है 32 की पावर 68 डिवाइड बाई 31। कहने का मतलब है यहाँ पर हम जो पावर्स हैं उसको बिल्कुल नहीं याद रखेंगे, केवल जो नंबर है आप उसको रखिए, हमेशा इसका डिवाइड करने पर हमेशा आपका आंसर कितना मिलेगा आपका 1 मिलेगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब सेकंड बताते हैं आपको। अब रूल नंबर टू लेते हैं, ओके। तो रूल नंबर टू ये है, जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ठीक है। जैसे अभी तो हमने आपको नॉर्मल क्वेश्चन बताया कि जैसे कि 22 था, 22 की पावर 32 था, इनटू 21 था, ठीक है। हमने जब इसको डिवाइड कर दिया
तो हम इस पावर को तो बिल्कुल छोड़ देंगे। जब पावर को बिल्कुल छोड़ देंगे, हमारा ये नंबर इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 22 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी नॉर्मल नंबर एक लेते हैं, 22 की पावर 32 डिवाइड बाई 21। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि पावर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जब पावर को छोड़ देंगे तो बचा कितना आपका 22 बचा, और 22 को डिवाइड करेंगे 21 से। तो जब 21 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 21 को जब हम 22 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका रिमाइंडर में 1। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा आपका 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन इस तरह का और मिलता है, सारे एग्जाम में आते हैं। 18 की पावर है आपका 224 प्लस 448, इसको हमें डिवाइड करना है 17 से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने नॉर्मल देखते हैं क्या करते हैं, 18 की पावर कितना है 224। ठीक है, 18 की पावर 224 है, पहले इस नंबर को बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किससे डिवाइड करेंगे हम, इसको 17 से। जब इसको 17 से हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर हमेशा कितना मिलता है आपका 1, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना मिला 1। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नंबर है कितना 448, तो इसको क्या करेंगे 1 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर मिला 1, और 1 को क्या कर देंगे 448 में ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा 449। अब 449 आया है तो इसका मतलब अभी इसको भी डिवाइड करना है, तो 17 से इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, इतना आपको हमने बता दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 17 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हुआ 34 हुआ। ठीक है, फिर 4 में से 4 गया 0, 1 एंड 9। अब कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा तो कितना हो गया 102, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 7, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। दोबारा हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को, 18 की पावर 24 नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, 18 की पावर 224 अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, और आपको 17 से डिवाइड करना है, तो आप सीधा सीधा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आंसर आप 1 लिख दीजिए। इस चीज़ को रट के रखिए कि अगर कोई नंबर है x के पावर n है और उसकी वैल्यू इससे कम है, ये जो 17 है वो 18 से क्या है कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। लेकिन अगर कभी कभी इसमें कोई नंबर ऐड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब क्या करते हैं कि अब इसमें क्या किया गया, 18 की पावर 24 इसकी वैल्यू तो आपको जब आपने डिवाइड किया इस नंबर को, तो आपका दिमाग में आंसर सीधा याद आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमारा कितना बचा 448, तो 448 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो गया 449, और हम इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 7 आया, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसको लाइक दबा के अब बताते रहिए, ठीक है, या कमेंट करते रहिए। उसके कुछ टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, होमवर्क के लिए, इसको आप करके लाइएगा। तो एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, 19 की पावर 22 to 5, प्लस 246 डिवाइड बाई 18। सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर 692 प्लस 286 डिवाइड बाई 31। ठीक है, थर्ड केस ले लेते हैं आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका 24 की पावर है आपका 426 प्लस 325 डिवाइड बाई 23। ये तीन क्वेश्चन से आप अगर लगा लेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम में भी आ चुके हैं और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इसके आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं,
अगला क्वेश्चन देख के चलते हैं। एक क्वेश्चन से आपका 6 की पावर 1, 2, 3 × 18 में 5 से डिवाइड करने पर या 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा या क्या रिमाइंडर बचेगा या क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में 6 की पावर कितना है 1, 2, 3 × 18। ठीक है, उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम जो पावर वाला मैटर है, पावर वाला स्टेप है, उसको देखते हैं। तो 6 की पावर 1, 2, 3 डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर हमने आपको बताया था इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। अब ये जिसका जब डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आया, आपका 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 से। और 1 को जब मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो आपका टोटल आंसर कितना आया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 18। अब इसी 18 को हम किससे नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे 18 / 5। तो जब 18 5 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3। यानी कि इसका जो आंसर आएगा आपका वो 3 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको शायद क्लियर हुई हो, अगर क्लियर हुई है तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं। ठीक है, टू इंटू 19 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप लिख लेते हैं। फाइव की पावर 6 × 9 × 24 डिवाइड बाई 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 8 की पावर 6 × 36 × 36 / 7। इस तरह का 3 क्वेश्चन लगा के लेके लगाइएगा, और आई होप इससे आपको क्वेश्चन होमवर्क से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में दूसरा टाइप्स क्वेश्चन है, कहने का इफ यदि एक्स के पावर एन को हम डिवाइड करेंगे एन प्लस 1 से, तब उस केस में क्या होगा। अगर यदि इफ यदि क्या है आपका n एक सम संख्या है तो शेषफल यानी रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा आपका, 1। ठीक है, अगर स्टेप ये है x की पावर n को हम n प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका अगर n एक सम संख्या है तो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा। सेकंड है, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका, यदि यहाँ पर माफ कीजिए एक लिख लीजिएगा, यदि n एक सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा आपका बचेगा 1। यदि n एक विषम संख्या हो तो शेषफल बचेगा आपका यानी कि रिमाइंडर बचेगा x। ठीक है,
इतनी चीज़ें क्लियर कर ली थी, कोई नंबर है x की पावर n है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं n प्लस वन से, यदि n एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या आती है तो इसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका आएगा वन, और यदि n एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है तो शेषफल वही नंबर आ जाएगा जिससे आप नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे होते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप्स के क्वेश्चन में। सीधी सी बात है, सिर्फ क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एन एक अगर सम संख्या है तो हमेशा उसका शेषफल एक ही बचेगा, यानी कि जैसे कि कोई नंबर है 24 की पावर 22 है, अगर 22 उसकी क्या है एन एक क्या है सम संख्या है, आपको पता है सम संख्या क्या होती है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे किसी नंबर से, मतलब इससे कम होना चाहिए, कम नंबर से डिवाइड होता है, अगर हम 23 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा, ये आप तरीका याद रख लीजिए। और बाकी जो विषम संख्या आती है तब क्या होता है, विषम संख्या आएगी तो जैसे कि विषम संख्या है 24 के ऊपर डिवाइड है 25, और 25 कैसा नंबर है आपका, विषम संख्या है। ठीक है, अब विषम संख्या जब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 23 से, तो आपका यही आंसर मिल जाएगा, यानी कि कितना आंसर मिल जाएगा आपका 24, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए, तो हम जनरली ऐसे आपको समझाने के लिए बताए थे, एक क्वेश्चन आपको बता दें उससे शायद आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। एक क्वेश्चन से आपका 25 की पावर 25 प्लस 24 डिवाइड बाय 26। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि आपका 25 है, 25 के ऊपर कौन सी पावर है। ठीक है, 25 है, और 25 कौन सा नंबर होता है आपका, ऑड नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब जब ऑड नंबर होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका वही नंबर आ जाएगा, मतलब विषम संख्या है इसका मतलब है जब ये नंबर क्या हो जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। बताया था आपको, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए या लिख लीजिए कि अगर कोई विषम संख्या है तो आपका आंसर जो है वही मिलेगा आपको। ठीक है, 25 है, अब 25 में हम प्लस कितना कर देंगे, 25 प्लस 24 होता कितना है आपका 49, और 49 आ गया आपका, 49 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 26 से। अब 26 से 49 को डिवाइड करिए, 26 से आंसर कितना आएगा, जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 को आप डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम्स करेंगे तो कितना बचेगा आपका 3, एंड ये बचेगा आपका 2, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आपका आएगा वो क्या होगा आपका 23 आएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहे तो। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर होगा, कुछ क्वेश्चन से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसके होमवर्क में हम आपको कुछ क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि अगर इसी की पावर विषम संख्या है तो आपको नंबर वही मिलेगा जो आप जिससे आप नंबर से आपको जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, जैसे 25 के ऊपर पावर 25 लगी है, या 25 के ऊपर 26 लिखा 27 लिखा होता मान लीजिए, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि दोनों नंबर सेम है, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता 25 के ऊपर 27, तो इसका मतलब है ये इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं n, यानी कि हमको यही नंबर आपका नीचे मिल जाएगा, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ये पूछता है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 23। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, 26 की पावर कितना है 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 27, सेकंड है आपका 27 की पावर 28 प्लस 42 डिवाइड बाय 28। ये दो क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, तो आप इसको लगाने के प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चंस और आते हैं, दो तीन तरह क्वेश्चंस और आते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, और ये हमारी लास्ट क्लास है।
नंबर सिस्टम की। उसके बाद अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपको होगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, उसका हम कभी स्पेशल क्लास में आपका वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है डिवीजर निकालना। एक क्वेश्चन आप हमेशा आप देखेंगे एग्जाम में इस तरह से आपका आता है, वो हर किसी एग्जाम में आता है, ठीक है, और यूपी टेट सी टेट के एग्जाम में भी आ सकता है इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो क्वेश्चंस भी थोड़ा टफ होते जा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चंस आपका आता है कभी कभी 400 की पावर 65 प्लस 4 की पावर 66 प्लस 4 की पावर 67, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कॉमन क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाला आपने क्या बचा आपका 4 की पावर, कितना बचा आपका 64। जब हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक तो 1 बचा प्लस कितना बचा, जब हमने अगर आपको किसी को क्लियर नहीं हुआ, अगर हमने 4 की पावर 64 को जब बाहर निकाल दिया, तो जब बाहर निकाल दिया तो ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा आपका 1, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, जब हमने यहाँ से 65 में से 64 माइनस कर दिया, यानी कि 65 है 64 हमने निकाल दिया, तो बचा कितना 4 ही तो बचेगा, यानी कि 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 कितना होगा आपका 4 होगा। अगला देखते हैं, यहाँ से कितना 66 है, यहाँ 64 हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना आपका 4 की पावर कितना बचा 2 बचा। देन आगे चलते हैं, 67 है ये 64 है, तो कितना बचा 4 की पावर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 की पावर कितना हो गया 64, अब इसको ज़रा ऐड करिए 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ठीक है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 85, चाहो तो आप चेक कर सकते हो ऐड करके, तो इसका आंसर आपका 85 आएगा। क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन में दिया होगा कि ये नंबर किससे डिवाइड है, आप इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है। जब आप इसको छोड़ देंगे, कहने का मतलब है जब इसको किसी नंबर से डिवाइड, जब ये नंबर किस किस से नंबर से डिवाइड हो सकता है, आप इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब ये नंबर एक तो आपका किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, और किससे डिवाइड होगा, दूसरा 17 से डिवाइड होगा, और तीसरा किससे होगा 85 से। इसके अलावा और कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इस अगर इन में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो वही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे, ठीक है। एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं जो आप आपको बता देते हैं, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको और हम दे देते हैं, ठीक है। से लिखा हुआ है 64 प्लस 5 की पावर 65 प्लस 5 की पावर 66 प्लस 5 की पावर 67, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने आप भी बना बना के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और जितना आप अपने आप से दिमाग लगाएंगे उतना ही आप उसको चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। एक टाइप्स का क्वेश्चंस और बचा है, उसके बाद देखते हैं बताते हैं आपको अगला। जब कोई क्वेश्चन है, जब कोई संख्या घात या एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, घात इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, तब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब कोई पावर के फॉर्म में हो, लिखा हुआ है एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, अगर ये नंबर आपका मिल रहा है, ठीक है, तो वो नंबर हमेशा एक्स प्लस ए से डिवाइड होगा, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन, ये आपको वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर है एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन हो, तो वो नंबर हमेशा एक्स प्लस ए से डिवाइड होगा। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई नंबर है अगर ये फॉर्म में है एक्स की पावर एन है या प्लस ए की पावर एन है, तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, एक्स प्लस ए से आपका डिवाइड होगा। कहने का मतलब इसके क्वेश्चन हम बताते कैसे होता है,
अभी तक हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया है, यदि कोई संख्या घात के रूप में हो तो, जैसे क्या है x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस a, तो ये नंबर आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर आपका ये जो आपका बेस जो है अलग अलग है, लेकिन जो पावर है वो क्या है आपकी सेम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपका लेते, उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर इसकी पावर ऑड नंबर में है तो इसका डिवाइड नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी पावर इवन नंबर में है तो इसका कोई डिवाइड पॉसिबल नहीं है। आप इसका आंसर हमेशा लगाएंगे कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि तय नहीं कर सकते। हम आपको दो प्रॉपर्टी लिखा दे रहे हैं, आप इसको और क्लियर कर लीजिए कि जब घात या एक्सपोनेंट ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तो पूरी संख्या विभाज्य होगी या डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये लिख लीजिए, अगर नंबर इवन नंबर है या सम संख्या है, तब जब घात या पावर या एक्सपोनेंट जो भी है आपका, आप इंग्लिश में भी समझते रहिए, एक्सपोनेंट सम संख्या है या इवन नंबर है, तो विभाज्य संभव नहीं है या डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें आप हमेशा याद रखिए। अगर इवन नंबर है, किसी की नंबर के पावर अगर इवन नंबर है, तो वो कभी आपका डिवाइड नहीं होगा। हमेशा आंसर में आप देंगे तय नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते, आपको ऑप्शन में आपका दिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर ऑड नंबर है तब ये नंबर आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप कैसे डिवाइड होगा बताते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन है 43 पावर 121 प्लस 24 की पावर 121, ठीक है। वही हमने कहा, अभी आपको रूल लिखाया भी था कि x की पावर n प्लस a की पावर n हो तो वो नंबर हमेशा x प्लस a से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको बताते हैं ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। इसको आप मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए a। देखिए ये आपका बेस अलग है, ये भी बेस अलग है, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, बेस अलग अलग है दोनों का। तो क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है यानी कि घात जो है आपकी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो हम क्या कहते हैं, आपका नंबर कितना है 43 है तो आप 43 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितना है आपका 24 है तो 24 लिखेंगे। तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है आपका 67 है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 67 से डिवाइड होगा। प्रॉपर्टी यही कह रही थी कि x की पावर n प्लस a की पावर n हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से आपका डिवाइड हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ याद देखिए, यहाँ पर जो पावर है वो आपका ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, इसलिए इसका ये नंबर पूरी तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा। ये आपका हमने जो क्वेश्चंस बताया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आप इसको होमवर्क करिए और कुछ जहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, ये सबको हर एग्ज़ाम में आपके काम करेंगे, यूपी टेट सी टेट हर एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कुछ क्वेश्चंस हम अपने हिसाब से बना के दिए हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो सबसे अगला क्वेश्चन जो अब आपको होमवर्क के फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो 24
की पावर 13 प्लस 25 की पावर 13। सेकंड है 27 की पावर 19 प्लस 32 की पावर 19। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 42 की पावर 91, क्योंकि ये आपका एक इवन नंबर है इसलिए इसका कोई डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो 14 की 2 की पावर 91 प्लस 29 की पावर 91। आपको इस तरह के तीन क्वेश्चन हैं आपको करके लाने हैं। सारी की पावर आपका क्या है, आपका ऑड में है। अगर इवन नंबर में पावर होती तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन इसका आप इसको कैन नॉट डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है जब बेस आपका अलग अलग हो। ठीक है, अब जैसे कि इस तरह क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेस यानी कि आधार जब अलग अलग हो। ठीक है, आधार कैसा हो, अलग हो मतलब बेस जो है आपका डिफरेंट हो, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका लेते हैं 25 पावर है आपका 12 प्लस 2 की पावर 12। ठीक है, इसी में हमें क्वेश्चंस और एक साथ क्वेश्चंस ये है आपका, यहाँ पर क्या है आपका बेस जो है क्या है आपका डिफरेंट है। एक क्वेश्चन इसी में दो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन देते हैं आपका एंड 27 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 30। ठीक है, जब आधार अलग अलग हो तब क्या करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे इवन में हो चाहे ऑड में हो, अब यहाँ पर आपका बेस अलग अलग है। जब बेस जब अलग अलग है, यहाँ पर 25 है यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे आपका ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 2, तो जब इनको ऐड कर देंगे उसके बाद ये अगला क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन था क्या, 27 की पावर 30 है 3 की पावर 30 है, दोनों का एक्सपोनेंट बराबर यानी कि घात जो है आपकी बराबर है, तो इसको आप ऐड कर देंगे। किसको, घात को छोड़ देंगे, मान लीजिए है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी मान लेंगे कि 12 नहीं है, नंबर क्या बच रहे हैं आपके ऊपर, 25 बचा प्लस 2 बचा, तो टोटल कितना हो गया आपका 27। ऐसे यहाँ देखिए 27 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया इसका 27 कॉमा कितना हो जाएगा आपका 30। तो इसका हमको क्या निकालेंगे आपका SCF। अब SCF कैसे निकालते हैं, शायद आप लोगों ने निकाला लेकिन अगले चैप्टर में आपको बता देंगे, थोड़ा सा ओरली हम आपको बता देते कैसे निकाला जाता है। तो 27 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड मेथड से निकाल देते हैं आपका 30, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो कितना बचा आपका, ठीक है 3 बचा, रिमाइंडर आपका 3 बचा। अब इसको हम क्या करते हैं SCF निकालने की, जो आपका ये नंबर है आपका इसको हम क्या कर देंगे आगे उठा के रख देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना टाइम जाएगा 3 9 27, और इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि आपका अब ये हो सकता है आप किसी को लगे कि यार 3 का डिवाइड हमने 9 टाइम्स कर दिया है तो आपका आंसर 9 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही उसका क्या हो जाता है आपका SCF हो जाता है। क्लियर, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को, कहने का मतलब है इन दोनों के जो बेस हैं वो अलग अलग हैं और पावर्स क्या हैं सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कह रहा है, दोनों के बेस क्या हैं आपके अलग अलग हैं और पावर सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो क्या कर देंगे, इनके पावर्स को हम छोड़ देंगे और बाकी नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके इन दोनों का SCF निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके, कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, अब एक दो टॉपिक बचा है उसको करा के आपका खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन से आपका 25 की पावर है आपका 16 प्लस 2 की पावर 16 एंड 27 की पावर 24 प्लस 2 की पावर 24। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है
32 प्लस 4 की पावर 64 एंड 42 की पावर 12 प्लस 8 की पावर 24। ठीक है, ये दो क्वेश्चन से आप इसको लगा के लाइए, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सके, ये आपको हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपके वर्क करेंगे। ठीक है, अब वो कुछ टॉपिक्स आपको और बता देते हैं हम आपके, कुछ फॉर्मूले आपको बता, जैसे कभी कभी निकालता है कि फाइव वो नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तब इस तरह के कुछ फॉर्मूले आपको बता देते हैं, आप ईजी रहता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, हम आपको निकाल फॉर्मूले बता देते हैं आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या यानी कितने सारी नंबर क्या है, वन से लेके डॉट 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 टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन नंबर, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं आपके जीरो को छोड़ के सारी कैसी संख्याएं हैं आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कह दिया जाए कि पहली तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो इसको निकालेंगे यानी कि यहाँ पर n कितना है आपका 3 है, तो हम n की वैल्यू रख देंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हुआ 4, यानी कि और इसको जब डिवाइड करेंगे किससे 2 2 जा 4, यानी कि आपका आंसर कितना आया 3 2 जा 6। ठीक है, अब चाहे तो शुरू की तीन प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 प्लस 2 प्लस 3, जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आया आपका 6 आया, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दो टॉपिक्स और हैं, अब आप इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के लाइए, फर्स्ट 5 6 7 8 9 11 12 13 14 नेचुरल नंबर्स का योग निकाल के लाइएगा, होमवर्क के फॉर्म में ही आपका ये होमवर्क दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है आपका, कभी कभी पूछता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एन इंटू एन प्लस वन कितना होगा 2n प्लस 1, पॉन कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब n में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि अगर शुरू के 5 नंबर हैं तो 5 नंबर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों कैसे होगा, आप n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रखेंगे, इसमें रखेंगे 5 प्लस 1 रखेंगे, इसमें कितना रखेंगे 2 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई किससे होता है आपका 6 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, 5 अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन कितना हो जाएगा 6। अब इसको कैंसिल करिए तो आंसर इसका आ रहा है आपका, अगर नीचे आपको शायद हो सकता ना दिखे, हम थोड़ा सा आपका ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6। ठीक है, तो 6 से कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा आपका 55। अभी हमने आपको ऐसे होमवर्क दिया था, आपको पहले 5 6 7 8 9 11 12 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, अब इसी में हम क्या ऐड करते थे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी निकालना है, आपको इससे क्वेश्चन निकाल के लाने हैं। ठीक है, होमवर्क काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, आपको क्लियर होता जाएगा। एक लास्ट चीज़ आप समझ लीजिए, कभी कभी बोल देता है कि प्राकृतिक संख्या कितनी है, कभी कभी कहता है कि एक से लेके 50 तक या एक से लेके 60 तक या एक से लेके 10 तक या एक से लेके 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी
प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उसकी ट्रिक आप एक ऐसे से याद कर लीजिए, 4, 4, 2, ठीक है, 2, 3, 2, फिर 2, 3, 2, 1, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2 एंड 1, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे बेटा, कि 4 यानी कि 0 से लेके 10 तक आपके टोटल प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं आपकी, 4, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही लेते चलते हैं, 10 से लेके 20 के बीच में आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं आपकी, 4, एंड 20 से लेके 30 तक आपकी कितनी होंगी, 2, 30 से लेके 40 तक कितनी होंगी आपकी, 2, ठीक है, एंड 40 से लेके 50 तक आपकी कितनी प्राइम नंबर्स होंगे या अभाज्य संख्या होंगी, कितनी होंगी आपकी, 3, 50 से लेके 60 तक कितनी होंगी आपकी, 2, ऐसे ही आप आगे नेक्स्ट 60 से 70 तक आपका कितना होगा, 2, 70 to 83 एंड 80 to 92 एंड 90 से लेके 100 तक ओनली एक नंबर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेके 30 तक कितनी आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होंगे, तो आप क्या करेंगे, 0 से 30 तक निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का ऐड कर देंगे। हमें 30 तक निकालना है, तो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, तो 0 से 10 के बीच में कितनी आपकी, 4 है, 10 से 20 के बीच में कितनी है, फिर 4 है, और 20 से 30 के बीच में कितनी है, 2 है। आप इसको ऐड करेंगे, आपका आंसर कितना आ रहा, 10, यानी कि 1 से लेकर 30 के बीच में हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स आपका 10 हैं। चाहे तो आप देख लीजिए आपका, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 1 जो होता है कभी आपका अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं होता है, बाकी सारे नंबर्स आपको 1 को छोड़ के सभी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। और एक 2 एक ऐसा नंबर है जो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और साथ के साथ आपकी अभाज्य संख्या होती है। आई होप सारा आपको जितना कॉन्सेप्ट या जितना भी होमवर्क दिया होगा आपको क्लियर हो गया हो। ये हमारी लास्ट क्लास थी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की, और इसके बाद अगले क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।